प्यार सबसे बड़ा होना चाहिए। देखो आप लोगों के माँ हमारे भी माँ है, हमारे माँ आप लोगों के भी माँ है, तो आप लोग हमारे चैनल से अभी के अभी जा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट। फाइनली इतने करोड़ों करोड़ों साल बाद पूरे इंडिया में हर एक बंदे का इंतजार हो रहा है खत्म। तो इसी महीने में फ्री फायर बैक आने का कंफर्म डेट निकल चुका है गाइस। अब आप लोग बोलोगे कि साले रिग झूठे इंसान, तू तो बोला था कभी भी फ्री फायर इंडिया में बैक नहीं करेगा, तो आज ही खुद बोल रहा है कि फ्री फायर फिर से बैक करे इंडिया में। तो कृपया करके हमारे बात को आप लोग ठीक से सुनिए एंड समझिए। देखो अगर सच बताओ तो हाँ, हमने बोले थे कि फ्री फायर कभी भी इंडिया में बैक नहीं करने वाला, क्योंकि उसके जगह को कवर करने के लिए फ्री फायर मैक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्री फायर आ कहाँ पे रहा है गाइस? फ्री फायर नहीं आ रहा है, फ्री फायर इंडिया आ रहा है। मतलब गरेना ने जो गेम लॉन्च कर रहा है 5 सितंबर को, उस गेम का नेम है फ्री फायर इंडिया। देखो फ्री फायर एक अलग एप्लीकेशन है, फ्री फायर मैक्स एक अलग एप्लीकेशन है, एंड फ्री फायर इंडिया एक अलग एप्लीकेशन है। आप लोग अगर प्ले स्टोर में जाकर फ्री फायर इंडिया सर्च करते हो तो अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बट वो प्री रजिस्टर करने को दिखाएगा, ठीक है? तो फ्री फायर इंडिया लिखा हुआ है उस गेम के पीछे, वो फ्री फायर है नहीं, तीनों एक अलग एप्लीकेशन है। चलो इसको भी हम थोड़ा पबजी के थ्रू समझाते हैं। देखो पबजी जो एक एप्लीकेशन है उसको थोड़ी देर के लिए बस आप लोग फ्री फायर समझ लो, उसके बाद लॉन्च हुआ न्यू स्टेट, मतलब पबजी न्यू स्टेट, उसको आप लोग समझ लो फ्री फायर मैक्स। देन उसके बाद आया BGMI, जिसको आप अभी समझ लो फ्री फायर इंडिया। तो मैं जो बोला था वही सच हुआ ना, फ्री फायर नहीं बैक कर रहे इंडिया में। फ्री फायर इंडिया जब आ रहा है तो दुख किस बात के, खुशी के मारे पागल हो जाओ, जश्न मनाओ। देखो मजाक कर रहा हूँ, सचमुच का पागल मत हो जाना, तब तो गेम ही नहीं खेल पाओगे। देखो आज मैं इतना सारा ज्ञान बकने के बाद मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं ज्ञानी बाबा सॉरी। देखो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन दूंगा सभी तो सच ही दूंगा ना, गलत इन्फॉर्मेशन देके मेरा फायदा क्या है? आप लोगों को अगर मैं सच इन्फॉर्मेशन दिया तो ही तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जो कि आप लोग मुझे कभी भी नहीं करते हो। हाँ ये एकदम ये सच है, आप लोग हमें कभी भी सपोर्ट नहीं किया। जितने भी चूती यूट्यूबर्स होते हैं कि माँ की भगवान की कसम देके सब्सक्राइब गेन करते हैं, आप लोग बस उन लोगों को ही जाके सब्सक्राइब करते हो, उन लोगों को ही सपोर्ट करते हो। हमें तो आज तक सपोर्ट नहीं मिला, हम तो माँ की भगवान की कसम तो नहीं देते, हम खुद के मेहनत करते हैं, तो हम लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? देखो मेरा वीडियो बहुत कोई तो देख रहा है बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, ऐसा क्यों होता है गाइस? जब वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो आप लोग। और आप लोग है कि उन यूट्यूबर्स की माँ की कसम मानकर उन लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं। अरे कसम वसम से कुछ नहीं होता है, प्यार सबसे बड़ा होना चाहिए। देखो आप लोगों के माँ हमारे भी माँ है, हमारे माँ आप लोगों के भी माँ है, तो हम कसम दे के क्यों सब्सक्राइबर गेन करे? देखो प्यार के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ये कसम वसम से कुछ होता नहीं है, ठीक है? देखो इससे आगे हम और कुछ नहीं बोलने वाले हैं। आप लोग अगर उन माँ की कसम देने वाले यूट्यूबर्स के सपोर्टर है तो आप लोग हमारे चैनल से अभी के अभी जा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट। देखो मैं फिर से और एक बार बोल रहा हूं, अगर माँ की कसम देने वाले यूट्यूबर्स के कोई भी फैन मेरे यहाँ पे वीडियो में है या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स में है तो अभी के अभी मेरे चैनल से आप लोग दफा हो जाइए। और आप लोग अगर उन यूट्यूबर्स के सपोर्टर नहीं है तो आप लोगों को हमारे वर्ल्ड पे स्वागत है, बाकी आप लोगों के ऊपर, आप लोग क्या करेंगे आप लोगों की मर्जी। तो आज का वीडियो हम बस इतने तक ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और आप लोगों के मन में जो कुछ भी आए वो बस कमेंट में ड्रॉप कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सबको दिल से लव यू।